शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए इन बीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। पूरे विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इनके बुद्ध पूर्णिमा सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए मनाए गए। सकरदरा तालाब से गौतम बुद्ध की प्रतिमा को फूलों के माला पहनाकर और मोमबत्ती जलाकर प्रार्थना की गई। इस मौके पर सकरदरा के थानेदार सत्यवान माने मौजूद थे। पूरे विश्व को शांति और करुणा का संदेश देने वाले तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इनकी बुद्ध पूर्णिमा पूरे शहर भर में मनाई जा रही है। दक्षिण नागपुर के सकरदरा तालाब स्थित गौतम बुद्ध इनकी प्रतिमा को पुष्प की माला पहनाई गई। इस मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सकरदरा के पुलिस निरीक्षक सत्यवान माने और इन विशन के डायरेक्टर इमरान शेख तथा नीलेश चंद्रिकापुरे के हाथों बुद्ध प्रतिमा को माला पहनाई गई और मोमबत्ती जलाकर कोरोना के इस अंधेड़ वायरस को इस देश से और विश्व से नष्ट करे और देश में फिर से एक बार लोग सुचारू ढंग से जीवन यापन करें, ऐसी प्रार्थना भी इस मौके पर की गई। इस मौके पर पुलिस निरीक्षक सत्यवान माने इन्होंने इन विशेष समक्ष जानकारी दी। आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बुद्ध बांधव या सभी बांधव को शांति का और ये इसका जो गौतम बुद्ध ने संदेश दिया है, इसमें हम लोग भी संदेश वही शांति का संदेश देना चाहते हैं। और ये कोरोना का जो बीमार है, इसके लिए सभी लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस का यूज़ करें। हम लोग पुलिस विभाग की तरफ से वही शुभकामना देते हैं, इसमें आगे के लिए संदेश देते हैं। बुद्ध जयंती के अवसर पर बुद्धा ने दिलेला संदेश आज आम्ही जगभर पसरूया, कोरोनाला नागपुरातून नाही तर भारतातून पळवूया। आणि सर्वांनी मास्क लावून सोशल डिस्टन्सिंगचा पालन करावे। आणि बुद्धांनी जो आज आपल्याला जो मार्ग दाखवला आहे त्या मार्गावर आपल्याला चालायचं आहे। आणि आज आम्ही सोशल डिस्टन्सिंग आणि कमी पैमान्यात इथे बुद्ध पौर्णिमा हे साजरी केली। आज विश्व को इस महामारी से रोकने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोड के साथ संजय मिरे, इन बीसीएन न्यूज नागपूर।